क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार हैव कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड रिप्रेजेंट्स इफ ए बार प्लस बी बार सॉरी ए बार प्लस बी बार इक्वल टू जीरो देन अगर ए बार प्लस बी बार जीरो है, इसको मैं लिख लेता हूं, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू जीरो। अच्छा, मैं वेक्टर ए को लिखना चाहूं तो कोई मेरी हेल्प करेगा? वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी बार को कैसे लिखेंगे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इज इक्वल टू एडिशन सब्ट्रैक्शन किस में होता है? सेम कंपोनेंट्स में होता है। दैट मींस मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी सॉरी ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप इक्वल टू जीरो। जीरो को क्या मैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप लिख सकता हूं? जीरो वेक्टर मतलब एक्स में भी जीरो, वाई में भी जीरो, जेड में भी जीरो। ओके, अब यहां से मैं आई कैप कॉमन निकाल दूं तो क्या मिल गया? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप शुड बी इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अगर ये दोनों इक्वल है तो उनके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर है? जीरो के। और ए वाई प्लस बी वाई किसके बराबर है? जीरो के। और ए जेड प्लस बी जेड किसके बराबर है? जीरो के। तो सिंपल आंसर है ए एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स, सेम ए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ बी वाई, सेम ए जेड इक्वल टू माइनस ऑफ बी जेड। सो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको रिजल्टेंट वेक्टर जीरो चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो चाहिए मतलब ए का कंपोनेंट बी के कंपोनेंट के साथ कैंसल होना चाहिए। एक्स कंपोनेंट भी, वाई कंपोनेंट भी, जेड कंपोनेंट भी, तो एक ही चांस बनता है। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो तीसरा कुछ तो भी बनेगा, कैंसल कैसे होगा? ये दोनों अगर माइनस के अंदर आ जाए तब वो कैंसल हो सकता है। समझ गए सब?